अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि सबको भूख लगी है और नागेश्वर और रास्ते में यहाँ पे और देखेंगे हम रुकेंगे शायद यहाँ पे रुक सकते अगर रूम्स अवेलेबल हो वरना कॉल आएंगे वापस यहाँ पे। इसमें से एक बंदरिया के पास 13 प्रो है इसने अभी लिया और 512 GB वाला दे दो 3 कैमरा दे दो फुल फोन ही दे दो मुझे ये नहीं देगी क्योंकि ये ना अभी हमारा वीडियो देख रही है। शॉर्ट कृष्णा फिल्म कृष्णा गाथा 5D सिनेमा और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे मिरर मेज हॉरर थीम जिसमें हम सब लोग जाएंगे जंगल थीम ये भी अच्छा है कृष्णा आर्ट एंड विलेज मुझे और काजल को भूख लगी एक अच्छी बात है यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है साउथ इंडियन फास्ट फूड पंजाबी थाली हो या फिर सब कुछ मिल रहा है पिज्ज़ा या फिर होम खाएगा आई थिंक पिज्ज़ा बर्गर कुछ देखते हो तो अभी हम सब यहाँ पे खा रहे हैं अभी Look at that photo over there. बहुत ही टेस्टी फूड है अच्छा लगा जैसे लोग काजल जैसे लोग और ओम जैसे लोग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम आते हैं द्वारिका तो द्वारिका नागेश्वर बेट द्वारिका शिवराजपुर सब कुछ कर लेते फिर भी हमारा मन नहीं भरता ये सारी एडवेंचर थिंग्स ना करने के लिए तो क्या कर सकते हैं वो सब कुछ करके यहाँ पे आके रुक सकते हैं और ये सारी जो राइड्स है यहाँ इसका भी मजा ले सकते हैं ना हाँ। यहाँ पे बच्चों के लिए जंगल थीम है बहुत सारी थीम है लेकिन हाउस बहुत इस साइड में है वो सारी बच्चों के लिए है राइड्स और ये आई थिंक बड़ों के लिए है तो अभी तो थोड़ी सी धूप है लेकिन हम शायद इवनिंग को या कल मॉर्निंग को हम ये वापस सब कुछ ट्राई करने वाले हैं क्योंकि हमने के दोस्त ही है ये तो अच्छा लगा हम वापस आएंगे Thank you.
हमने अभी डर रहा था थोड़ी देर, अभी नहीं डर रहा, अभी अकेला कर रहा है। बादल यहाँ पे पक्षी हुई है, स्टेयरिंग मूव कर रहा है। काजल ऑल द बेस्ट। कहीं नहीं था, गोड़ गोड़ फिर है ना, न्यू न्यू कर जाए ना ना खुद। जंगल की मटर नहीं जाओ। फूल उसे जाओ। ओके अपने अपनी चेक। अभी और ज्यादा और ज्यादा हम कल आने वाले यहाँ पे ये जंगल थीम और सब देखने के लिए, लेकिन ओम को पहले से जाना है। वाले तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, बच्चों को अगर डर नहीं लगेगा तो एंजॉय करेंगे, लेकिन ओम को ना डर लगे। ओम कुछ थोड़ा एंटर हुआ उसके बाद डर गया। काफी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे। जंगल में से आए हुए लोग तो अभी ये लोग चैलेंज दे रहे हैं मुझे और काजल को, हॉरर हाउस में जाओ, हम कोई भी हाउस में जा सकते हैं क्योंकि हम फार्म हाउस में रहते हैं, तो इसमें डरना मत। और अभी यहाँ पे आगे 5D सिनेमा है, कृष्णा आर्ट म्यूजियम भी है, और मिरर मेज, उसमें तो हमको मजा आएगा मिरर मेज में। ठीक है, सब कुछ ओके। और अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत पुराना गांव कैसा हुआ करता था, कुछ चीजें होंगी पुरानी। और ये आप हमेशा हमारे वीडियो में देखते हो, विलेज से रिलेटेड सारा कुछ ये चीजें होगी जो यहाँ पे पुराने वाली। और ये अच्छी बात है, जो भी लोग आएंगे देखने को उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कैसा हुआ करता था पहले पुराने जमाने में। और ये सारी ओरिजिनल चीजें हैं पुरानी, इसमें से ज्यादातर मैंने पुराने टाइम में देखी हुई है। मैं पुरानी चीजें बहुत पसंद करता हूँ तो मैंने देखा है। ये गाडा जो हम बोलते हैं यहाँ से रहते थे भी वो लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये किसके लिए? ये गाडला होता था, क्योंकि इस तरह से ये पालकी होती थी ना, फिर ये पटारा वगैरह मजू अपनी किए। ये तो अभी भी हमारे वहाँ देखते बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पुराने टाइम में, और इसमें अभी भी इंडिया में इतना व्हील भी लगे होते हैं लकड़ी के, अभी तो भी कभी कब समटाइम्स यूज में होते हैं ये। यस, ये कबर्ड जैसे यूज होते हैं। यस, दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल ओल्ड कबर्ड, बट नाउ वी यूज बिग कबर्ड। यस, इसकी डिजाइन देखो, अति जुनवाणी नक्शी है, समटाइम्स ये चीज अति जुनवाणी, अति जुनवाणी नक्शी है। और ये चक्की पुराने टाइम की, जिसमें बड़ी वाली अनाज पीस के खाते थे, गेहूं बाजरे सब के जो पूरे विटामिन्स होते हैं उसमें,
वो पूरे ऐसे कैसे रहते हैं, क्योंकि देसी तरीके गरम नहीं होता है। खाते हैं। और ये खंडनिया जिसमें सब कुछ चटनी रेड चिली सब कुछ पाउडर बनाते थे, वो बड़ा वाला है क्योंकि पहले ऐसे बड़े ही आते थे। और यहाँ पे एक कुआ भी है जहाँ पे पानी भरने, पहले गांव में क्या होता था, एक कुआ होता था जहाँ पे सब पनिहारियाँ पानी भरने के लिए जाती थी। यहाँ पे जो ये साइड में भी तोरण और सब कुछ लगाए हुए वो भी पुराने पहले बनाते थे। और ये जो दरवाजे की स्टाइल है दरवाजा लगा हुआ है और ये विंडो भी ऐसी लगी हुई है, अच्छी है, अनब्रेकेबल ऑलमोस्ट। और पहले ऐसा ही होता था पूरा, जैसे सीमेंट नहीं यूज होता था, गोबर से बना हुआ। तो फिर भी है बनाने के लिए इन्होंने किया, लेकिन नॉर्मली वो होता है ना पूरा गाय के गोबर से बनाते थे। बर्ड्स के लिए घोड़ो दामचिया भी बोलते, घोड़ा भी बोलते दामचिया। इसके ऊपर जो हमारी गोदड़ी होते है ना, जो हमारे बेडशीट बेड कवर वगैरह तो वो रखने के लिए होता था। फिर ये छाछ बनाने के लिए मक्खन निकालते इसमें से, इससे निकलता है वैसे, इससे चलाते ये रवाई बोलते हम इसको, और हाथ से इसको घुमाते थे ऊपर एक रस्सी से बांध के इसको अंदर, इसके अंदर इसको फूल बोलते हैं, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है जब मैं छोटा था। वैसे ये टच करना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी हम तुम्हें बताई थी वैसे करना होता है। ऐसे करना होता है। डू नॉट टच। ओवल स्टाइल चेयर। व्हाई दिस स्मॉल। यहां पे कर जैसा दिखाया है वापस पूरा। और यहां पे कुछ पुरानी चारपाई है, पुराने प्लाव वगैरह है, पुराने हल है एक तो, बाकी ये लकड़ी का आता था इसमें, फिर लकड़ी के ही वो बनाते थे प्लाव जैसा, तो उससे बेलों को यहाँ पे लगा के फिर करते थे खेती। तो अच्छा है पूरा ये विलेज थीम है ना। और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है, ओम दिस इज लाइक अ बैल गाड़ी, गाडू जो हम बोलते हैं ना। ओ ये ट्रांसपोर्ट का है। यस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो पहले यूज में आता था लेकिन अब लोग अब हम ट्रैक्टर्स, कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स। यस वो सब कुछ आ गया है। यस सो इसलिए ये अब नहीं यूज होता, ये बहुत ही पुरानी डिजाइन है इसकी पूरी। कितना पुराना है ये जो बैलगाड़ी है वो 115 साल लिखा हुआ, और शीशम ये जो टाइप का वुड आता था पहले तो खास बहुत मिलता था हमारे घर पे भी कुछ कुछ इसकी चीजें हैं। अब लकड़ियाँ ये बहुत ही मजबूत लकड़ी आती थी, लेकिन तब मिलती थी, अभी तो बहुत ही रेयर हो गई। अपने अनाज नहीं कोठी था ओली मोटी है यहाँ, हाँ ये अनाज भरने के लिए बनाते थे, उसमें भी मिट्टी के बने हैं। 5D सिनेमा टाइम। रेडी? ओए मम्मी, डॉल्फिन मूवी। ओके तो ये है पूरा पूरा 5D सिनेमा है। काजल तुमको मैं 5D में दिख रही हूँ। What can you see, Om? I can see exactly in things, all the things that are in real life, except in this it's kind of dark. Okay. And in real life it's bright. Om, you. Are you ready, Om? Are you ready, Om?
सब लोगों ने किया ये 5D का एक्सपीरियंस। मजा आया। अभी हमको डॉल्फिन वाला करने के लिए आना है कल वापस। मजा आया। हमको लग रहा था कि हम रियल में कहीं जा रहे हैं, है ना? अब रह गया हम वैसे तो। हम आ गए हैं शिवराजपुर। पहली बार आ रहे हैं हम यहाँ पे। बहुत नाम सुना है। अभी ब्लू फ्लैग भी मिल चुका है। बहुत बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे शिवराजपुर बीच में। जो जल्द ही आपको एक दो साल में ये पूरा रेडी होगा तब देखने को मिलेगा अच्छे से। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं शिवराजपुर। बहुत टाइम पहली बार आ रहे हैं और ओम एक ही है फुल मूड में नहाने के। बाकी सभी लोगों का कुछ श्योर नहीं है अभी, है ना?